हेलो गाइस, बात कर रहे हैं यहाँ पर एक हज़ारों में मेरी बहना है शो के बारे में। क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा का नाम कैसे नहीं आएगा जब इस शो का नाम आएगा, क्योंकि इस शो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा ने जिस तरीके से कैरेक्टर प्ले किया है वाकई में कमाल का रहा है। जीविका और मानवी को लेकर लोग आज भी एक्साइटेड रहते हैं, इन दोनों की जोड़ी को लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और इस शो के बाद से इन दोनों की कुछ बॉन्डिंग यूँ रही है कि रियल लाइफ में दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रही हैं, सच में रियल लाइफ की सिस्टर्स लगती हैं। और अपने आपस में ये कई सारी फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर क्लिक करके पोस्ट करती रहती हैं, जिस वजह से एक बार रूमर्स भी आए थे कि शो के सीज़न 2 पर मेकर्स काम कर रहे हैं। पर आपको बता दें वो रूमर्स ही थे, लेकिन फिर से जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से आप लोगों की डिमांड चल रही है, उसके चलते ये देखा जा रहा है कि शो के सीज़न 2 पर बहुत जल्द काम किया जा सकता है। आपको बता दें शो का रिपीट टेलीकास्ट जो चल रहा है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा लुभा रहा है, एक बार फिर से ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस गेन कर रहा है। सो देखना ये है कि शो का सीज़न 2 अगर आने वाला है तो फिर क्या यही जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी या फिर नए चेहरे होने वाले हैं। मतलब कि सीज़न 2 में क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा ही जीविका और मानवी के कैरेक्टर में नज़र आएंगी या फिर इनको रिप्लेस किया जाएगा और नए चेहरे देखने को मिलेंगे। देखिए चांसेस बहुत सारे हैं कि आपको ये जोड़ी ही देखने को मिले, लेकिन इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ये आता है कि यहाँ पर शायद इन दोनों को अगर ऑफ़र जाए तो वो दोनों शो को साइन ना करें, क्योंकि ये दोनों ही टीवी से फ़िलहाल तो बहुत लंबे टाइम से दूरी बनाए हुए हैं। क्रिस्टल की बात करें तो उनका लास्ट शो ब्रह्मराक्षस था, उसके बाद से वो नज़र नहीं आई हैं शो में वो टीवी पर। और वहीं बात करें अगर निया शर्मा की तो जमाई राजा शो में देखने को मिली थी, उसके बाद से वो टीवी नहीं कर रही हैं। ये दोनों ही वेब सीरीज़ कर रही हैं, दोनों ही बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं। तो यही वजह है कि टीवी को छोड़े हुए हैं और टीवी पर नज़र नहीं आ रही हैं। तो अगर ये डेली शो के ज़रिए आता है शो का सीज़न 2 तो शायद ही दोनों नज़र आएँ, लेकिन वही अगर हम बात करें कुछ एपिसोड्स के ज़रिए अगर रिलीज़ किया जाता है OTT के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से, तो वाकई में फ़ैंस बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए नज़र आएंगे और ये दोनों भी साथ में देखने को मिल सकती हैं, इसके भी चांसेस हैं। आपका क्या कहना है, इन दोनों को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।